देखिए ये मुसलमान अभी क्यों याद आ रहे हैं? मन की बात तो बहुत हो गई, 99 हो गई, इससे पहले क्यों नहीं याद आए? मुस्लिमों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खास तैयारी कर रही है। यूपी बीजेपी इकाई के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मदरसों और दरगाहों सहित राज्य में मुस्लिम समुदाय से जुड़े 100 से अधिक स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात का प्रसारण आयोजित करने की योजना बनाई है। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी। मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित होगा। तो वहीं सरकार के इस कदम को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने सवाल खड़े किए हैं। एसटी हसन का कहना है कि एक तरफ तो बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ सरकार मस्जिदों और दरगाहों पर मन की बात सुनवाना चाहती है। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार एसटी हसन ने क्या कुछ कहा है। सांसद जी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड जो है वो आने को है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से एक पहल करी जा रही है, उसमें जो है 100 मदद किया जा रहा है और वहाँ पर मन की बात कार्यक्रम सुना है। देखिए, मेरी तो प्रधानमंत्री जी से दरख्वास्त है के मदरसों की हालात को पहले देखें। 50 महीने से वहाँ के टीचर्स को तनख्वाहें नहीं मिली, पहले उनको सुधारें। ये मन की बात तो जब करें जब वाकई खुलूस नियत से, और वाकई आप उनका उद्धार करना चाहते हो। एक तरफ आपके नेता लोग जो हैं बुलडोजर चलवा रहे हैं आसाम में मदरसों पे, दूसरी तरफ मन की बात सुना रहे हैं आप चाहते क्या हैं? ये कहा जा रहा है कि जो पसमानदा मुसलमान है उनको बनाने के लिए सर इस पहल करी जा रही है, उसको अंतर्गत ताकि मुस्लिमों को मनाया। देखिए, मुसलमानों में पसमानदा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मुसलमानों में इक्वलिटी का संदेश दिया गया इस्लाम ने कि हर इंसान बराबर है एक दूसरे के। वो इंसान अल्लाह के नज़दीक बड़ा है जो उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है। मस्जिद में हम एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये पसमानदा कर करके मुसलमान को बांटने की साजिशें हो रही हैं। अब मुसलमान बटेगा या तो मुसलमान कमज़ोर होगा तो बीजेपी मजबूत होगी, सबको मालूम। सांसद कैसे देखते हैं फिर, क्या जो ये 100वां एपिसोड को लेकर जो तैयारी करी जा रही है, क्या इसका 2024 पर असर पड़ेगा? देखिए, ये मुसलमान अभी क्यों याद आ रहे हैं? मन की बात तो बहुत हो गई, 99 हो गई, इससे पहले क्यों नहीं याद आए थे? अब क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि चुनाव सामने हैं। ये हथकंडे हैं मुसलमानों को बहकाने के। कुछ लाभ मिलेगा भाजपा को इससे? कोई लाभ नहीं होगा। मुसलमान अब इतना बेवकूफ़ नहीं रह गया है, सिवाय चंद उन लोगों के जो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, जिनका कोई इंटरेस्ट होता है, वो लाभ उठा लें भाजपा से, बाकी भाजपा को कोई लाभ नहीं होगा मुसलमानों। विपक्षी इसे सरकार का हथकंडा बता रहे हैं और सरकार की इस टाइमिंग पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो आखिर देखने वाली बात ये होगी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात पर हो रही राजनीति कहां तक जाती है।